क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज, इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ। रिंग है, एक मेथाइल ग्रुप यहां पे प्रेजेंट और यहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, दोनों रिंग के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेटेबल स्ट्रक्चर। तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस कौन इंपोज कर रहा होगा, मेथाइल, मतलब ये पावरफुल एक्टिवेटर है विद रिस्पेक्ट टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट करेगा। अच्छा, आप जानते हो कि अगर किसी रिंग पर ऑलरेडी दो एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किसका ऑर्डर फॉलो करेगी, मतलब डायरेक्टर कौन होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो देखो जो पावरफुल एक्टिवेटर होता है, जो पावरफुल होता है वही अफेक्ट ज्यादा अफेक्ट डालता है। CH3 ज्यादा अफेक्ट डालेगा और CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, उसकी पैरा पोजिशन ऑलरेडी क्लोज है, तो कहां पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, आर्थो पे, क्या बोलेगा, या तो आर्थो पे हो या तो पैरा पे हो। पैरा पे गया तो पहले से कोई महानुभाव बैठे थे, कुर्सी खाली नहीं, तो आर्थो पे आएगा, आर्थो पे। ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। वैसे मिथाइल में प्लस आई भी इफेक्टिव रहता है और प्लस आई के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास की पढ़ाई रहती है और मिथाइल का साइज छोटा होने की वजह से स्टेरिक रिपल्सन भी बहुत ज्यादा हुआ नहीं करता है। तो अगर अकेला मिथाइल होता, टॉलिन होता, तभी आर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता। क्लियर।